अरे वाह, भोले बाबा हर जोगिया हो मोर राम, अच्छा भैया लोग हम विरह गायक राम कुल यादव शहीदी धरती गाजीपुर आज रिकॉर्डिंग होत बार भी स्टूडियो भीमपुरा बलिया में एक थे आप सबके बीच में ही बिरहा प्रस्तुत बा जो ने बिरहा का शीर्षक बा मां ने पिलाई बेटियों को जहर गाजीपुर कांड। मजबूर होकर के महेंद्रपाल गुरु ने अपने कलम के माध्यम से लिख करके सजाया है इस बिरहा को। लोग कहे कि बेटा को बेटा हो सकेला लेकिन माई कुमाई ना होली, लेकिन बाहर कल युग आज की इस धरती पर कैसी कैसी माताएं हो गई है, बिरहा कौन तक सुनिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करिएगा कि क्या किसी मां को ऐसा भी करना चाहिए। भूमिका में भाव लगत मास्टर। मानव अवनी से मिटता धर्म सत्य है, उठ रही अर्थी आया जब विश्वास की, जन्म दे करके जननी जहर दे रही, आसियाना जलाया गई नाश की, प्रीत प्रतिमा पयो निधि परा जल गई आग में आग की आस की, शोक में सारी सरिता लहर सो रही है, कभी महेंद्र कहे रूप वर्णन लाश की। बिरहा में कवि जी एक लाइन गजल का भाव लिख लो मास्टर कैसे। कैसे अरे देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अरे देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अरे सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है ये गुल खिले हुए, दूर तक निगाह में है ये गुल खिले हुए, लेकिन कबीर जी बड़ा सुंदर भाव
बिरहा में लिखली हाँ। अरे देखा एक दुनिया तो ये दिल हिले हुए हिले हुए। देखा एक दुनिया तो दिल हिले हुए ये दिल हिले हुए ये दिल हिले हुए। दूर तक निगाहों में है लहू गिले हुए दूर तक निगाहों में है लहू गिले हुए। हमेशा मेरे बिरह का शुरुआत हुई कहानी के करबा कैसन बा नज्म कलाई लगल मास्टर बिरह सुने वाला भैया लोग बिरह पर ध्यान दहल जाए कहानी के करबा कैसन बा प्रांत यूपी में प्रांत यूपी में जिला गाजीपुर का नूर बड़ा शहीद धरती कही जाती है सुरूर बड़ा। भुड़कुड़ा थाना बुढ़ानापुर का है प्रमाण मिला सुन हकीकत शासन सत्ता का भी प्राण हिला। जखनिया के करीब बुढ़नपुर के निवासी है श्रीराम प्रजापति जो वही के खास वासी है। खास जखनिया में दुकान से खुशहाल हुए पति पत्नी के बीच दो सुकुमार हुए। वाह ए भैया बात के समझ ले जाओ गाजीपुर जिला के अंतर्गत भुड़कुड़ा थाना और भुड़कुड़ा थाने के अंतर्गत एक चट्टी पड़ती है गांव पड़ता है बुढ़ानपुर। वही बुढ़ानपुर का रहे वाला श्री श्री राम प्रजापति जी पति पत्नी के बीच में भगवान दुई ठे बिटवा दिले हुए। जखनिया रेलवे स्टेशन जहां उनकी एक दुकान है दुकान पर अपन जिंदगी दोनों प्राणी बितावत हुवन दुई ठे बेटवा हुवन दोनों बेटवन का पालन पोषण भी होत बा। धीरे 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 बड़का बेटवा सयान भइल ह शादी के योग्य भइल ह भाई तो केहू को परंपरा बा बेटा बेटी जब सयान हो जालो त अपना माई बाबू के बोलना हो लेकिन देखे वाला लोगन के बुझाए लगल कि लड़की जवान हो गई है फलाना का लड़को शादी कर जग हो गई बा। ए भैया एगो अगुआ साहेब पहुंचल हो श्री राम प्रजापति जी से बतिया बता रहा कि लैकवा तोहार शादी कर जग हो गई बा एगो हमारा हितई में एगो हमारा संपर्क में बड़ा सुघर खूबसूरत लड़की हो बतिया बताना का बतियावे तरज लग गई। अपने समय में बड़ा सुघर बजल है गीत कौनो मरद अपना मेहरारू से फोन पर कहता का
कहता हो कहत का करत ओकर कहे के भाव बा का कर तारू धनी हो का कर तारू धनी हमके देखावना वीडियो कॉलिंग में रूपावा से पर्दा तनी धनिया हटावना तब दुलहिनिया कहतिया माथे पर हम बिदिया जाता कमर इस सोन वाली साड़ी इस सोन वाली साड़ी अगुआ साहब श्री राम जी से कह तारे का कले हो हवा में कंगना अपने चेतन के बधावना चेतन लइकवा के नाम बा कंचनपुर के अंजू से सदिया करावना अगुआ साहेब समझौला हो अपना चेतन का शादी करो हम बड़ा सुघर एगो लड़की देखले बनी आजमगढ़ जिला के अंतर्गत कंचनपुर गांव और कंचनपुर के बगल में जगदीशपुर वही जगदीशपुर गांव का रहे वाली बड़ी खूबसूरत एगो लड़की है जो ना लड़की का नाम अन्नु प्रजापति बा भैया हो तिलकहरू अलो हो बातचीत भैली हो आज बेटवा चेतन का शादी अनु से भइल अनु दुल्हन बन के घर में अली हो धीरे 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 समय बीते लगल आ समय बीतल तो धीरे धीरे समय बीतला पर भगवान घर में खुशी देत काबण पहले घर में लक्ष्मी का वास आई पहले बिटिया भइल दूसरो नंबर पर फिर बिटिए भइल तीसरा नंबर पर भी बेटिए भइल धीरे धीरे समय बीतल तीन बेटी का जन्म घर में भइल अब भइल यही बीच में चुकी शादी तो हो गई बिया परिवार को लोग कहल के जाए तो ढेर छटकत है बिया शादी कह दिल ससुरा जाए तो सुधर जाए लेकिन कहल जल विजेंद्र मास्टर कि हर कल मानी या पर कल
एकर तनी नैहरे से व्यवस्था रहल गड़बड़। मौका पा जाओ, आजकल मोबाइल के जमाना बा, फर्द बतिया ले मोबाइले पे बतिया के एक दिन गड़बड़ कर दहलस कैलस का तरज बदल गई। ये तरज के जवानी में हमारे सिनारायण चचा अब बाला चचा गावे लो, आई कैसेट में हम पहला बार गावे थे कैसे। अरे जो ही तू राजा मोरी, अरे जो ही तू राजा मोरी, जय बापी ते सवा हो कजरा नया नाम रही, हमारा के काई ले आई बाहो कजरा नयन में रही। ये है ये है जिया इतना जी हो, लेकिन भाव अभी रहा में मास्टर कैसे। अरे केहू से बतावे नहीं भेदवा छुपावे हो, अगिया लगावे गोरिया अफोनवा पखू बबती आवे हो, अगिया लगावे गोरिया लगावे गोरिया। घरवा में भैया दुकनिया पर पूरा परिवार रहे, वही जखनिया स्टेशन पर फुसुर 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 जब न तो मौका मिले तो चेतन पूछे कैसे बतियाओ तो बतियाओ तो नहीं माई रही हो दीदिया रही हो बहाना कह दे, लेकिन शंका तो होके परिवार में, लेकिन तनी रहल मन सरहंग। यही बीच में एक दिन कैलस का अरे घरवा से चोरी एक दिन हो गईली फरार हो, अरे गई पकड़ाई थनवा मझार हो, अगिया लगावे गोरिया, अरे आइल धोई के रोवेली कुमरिया हो, अगिया लगावे गोरिया। यही बीच में एक दिन भागल श्री राम प्रजापति जी जाय के भुड़कुड़ा थाना में लिखौल के हमार पतो गायब है, खोजत नहीं या मिलत नहीं खे। अच्छा तो पकड़ा गई, पकड़ाइल ससुरों में पंचायत भइल, नैहरों में पंचायत भइल, पंच लोग कहलक जाय दे भाई केहू के गलती एक बेर क्षमा कइल जाला। लेकिन ए भैया अनु के ससुर श्री राम प्रजापति जी कहलक भाई मैं मान रहा हूं यह बात थाने में हो रही है, लेकिन ए दरोगा जी हमरा ओर से निवेदन बा कि आप एक पत्र लिखकर हमको दीजिए, इसलिए कि आज ये भगी है कल भी भग सकती है। साहब हमारा के करा पर डर हो गई बा। दरोगा जी कहेंगे ठीक है तुम डरो मत, हम तुम्हारे सामने है कुछ नहीं करेगी, एक बार ले जाओ रखो। बनिया आदमी महाजन आदमी दुकान चलावेला सामाजिक आदमी श्री राम प्रजापति जी अपना लड़कों के डटल न जाए दे, एक बार केहू गलती कर देला क्षमा कर दे ले चल रख। घरे चेतन लिया के अपना मेहरारू कैल हो, तीनों लड़किया हो बाबू अपन माई के कोरवा में जाके उतर रो सब जैसे कोनो गाय के बाछी पा के अपना माई के लगे दौड़ के जाले। मम्मी कहा गिर रे मम्मी, मम्मी अब नाना मनी के छोड़ के जे भी मम्मी तीनों बेटी रो ताड़ी हो बाबू। धीरे धीरे समय बीतल,
आ अब धीरे 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 ये है महीना आ गया है सितंबर वाला। यही सितंबर के महीना में देखा हो भैया करत का बिया बिरह में कलन फिर तरज लगत बा। उहे तरज बा इहो पुरान तरज हो। अरे मोरा पिछवा रवा अरे मोरा पिछवा रवा सोना रवा कह दो कहनिया अरे नथिया त गढ़े तीना पतिया के अरे नथिया त गढ़े तीना पतिया के बाहरा निकला के गीत लेकिन देखा हो भैया अब ही आग पहली बुतैले नहीं खे आ तबले इकैल से का कि हसत परिवार रवा में घोर लस जहारावा अरे आइल ना दर्द वही ना गिनिया माहुर घोरी के पियावलस बिटिहिनिया न के ए भैया अभी न साले भर बीतल न छवे महीना बीतल आ तबले परिवार का लोग 8 बजे खाना उना खा के गर्मी का दिन देखते बड़ा लोग गर्मी बरसात के दिन बा लेकिन गर्मी बड़ा पड़ती है शहर का माहौल बा क्षेत्र बा जखनिया बहुत घनी बस्ती 10 बजे का टाइम पर परिवार के लोग खाओ के सब जब सूत गई हो ये रात में योजना बनौले सी हो आई चूहा मारे वाली जो दवाई बा पुड़िया वही पुड़िया के फार के गिलास में घोर के ए भैया तीनों बेटीन के पियावत हो। आज ए भैया जब पियौलस आ पिया के कैले से का अंतरक भाव बा अरे हो गई फरार अनुआ के हु नाही जनलस अरे माता कुमाता बन के सबके दरसावालस के माहुर घोर के पियावलस तीनों बिटैन अन के माहुर घोर के पियावलस ए भैया तीनों बेटिन के जहर पिया के रात के 9-2-11 हो गई भाग गई धीरे धीरे तीनों बेटी के शरीर में जो जहर भीने लगल हो तीनों बेटी छटपटाए लगली हो ए बाबू धीरे 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 भोर का समय जब भइल हो तब भइल बका बिरहा में टेरी के भाव लगल अरे लजाई ना हर जाई तनिको
माता बनी कुमाता करिखा मुहे लगाई। ए भैया बेटा ना हुआ सहो बेटी है सहो, बेटी का दर्द माइये जाने ले। आज माई कसाई बन के तीनों बेटिन के जहर पिया के कोना के प्यार में फंस के भागल, पते नहीं बा भोर भइल बा रो ताड़ी से तीनों नतीनिया बाबा से हाथ जोड़ के कह ताड़ी से तरज लगल भैया। लेकिन तरह से सुंदर भाव बहो भैया, अरे पनिया पियाई दा बाबा, अरे पनिया पियाई दा बाबा, बचिना पराना आओ। लाल पियर लौकत बाटे आँखी के समाना आहो, लाल पियर लौकत बाटे आँखी के समाना आहो, पनिया पिया दे बाबा बचिना परा लवाओ। हे भैया कहीं बाबूजी दौड़ताड़ कहीं बाबा दौड़ताड़ हई देखा हो कहीं दादी लेके दौड़ताड़ी तीनों नतीनियन के, लेकिन तीनों लेकिन का उल्टी शुरू हो गई। जैसे लगवा पानी पियावे तुरंते जहर भिनल बा, तुरंते तीनों लड़की उल्टी करताड़ी परेशान हो गईलन। भुड़कुड़ा देखौलन जखनिया देखौलन इहा तकले कि लेके गाजीपुर के सदर हॉस्पिटल में गई लह, जबकि उतना व्यवस्था है कि जितना व्यवस्था बेचू हॉस्पिटल बनारस में है। लेके गई लह तो भइल हका ए भैया, गाजीपुर का डॉक्टर रिफर लिख दिया इन तीनों बेटियों को लेकर जाइए बनारस। बनारस की ओर गाजीपुर से बाबा लेके अपना तीनों नतनी के चल रहा हूँ। तब भइल का सदर अस्पताल से वापस आवत बाबा रहल हो, अरे नंदगंज से पहले सब कुछ सुना सुना भाई ले हो, बड़की बेटी छोटकी बेटी मधु ओ से छोटकी रितु तीनों के लेके जात हुआ, लेकिन नंदगंज से पहले बड़की बिटिया का दम टूट गई। आई दोनों छोटकी का करे मधु और रितु तड़पे गिरे मुंह से खुना आहो, मधु और रितु तड़पे गिरे मुंह से खुना आहो, पनिया पिया दा बाबा बचिना परा। हे भैया एक बेटी के प्राण शरीर के छोड़ के उड़ गई, दुई बिटियन के मुंह से भी खून आवत बा, लोग परेशान हो का कइल जा। बिरहा सुने वाला भैया लोग आखिर नंदगंज से गाड़ी लोग घुमा दिल फिर भुड़कुड़ा के ओर जखनिया के ओर कि लगता कि यह दोनों लड़की बची है सनाही, ले आके हॉस्पिटल में भर्ती करौल हँ, एक बेटी का लाश दुआरे पर रखल है। आ तब तक भुड़कुड़ा थाने के दरोगा जी अपने दलबल के साथ पहुंचे हैं दरवाजे पर,
आजे बाबू भैल का हमरे बिरहा के आखिरी तरज बा। उहे तरज बा कि ससुरे से रूसल बाती रियावानु हो धैली नैहर कराए। धैली नैहर कराए दुआरे पर दरोगा जी खड़ा हुआ, लोगों की भीड़ लगी है। आज दादा दादी पापा चाचा पूरा मोहल्ला का लोग रोता। रोवे दादा दादी लईकू मरियानू हो, रोवे दादा दादी लईकू मरियानू हो, बहू कैलू का बिगा पहला पहला भूख कबिटिया जो रहल बड़की चेतन अपना गोदिया में लेके रोअताड़े कहताड़े। गोदिया में चेतन लेके कर ले यादरावा, कफना बढ़ाई बिरहा सुनने वाला भैया लोग। आखिर बेटी की लाश पोस्टमार्टम में गई, दोनों बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। जिस समय लाश भुड़कुड़ा थाने की ओर जा रही थी, गाड़ी में बैठा करके चेतन को और चेतन के पिता श्री राम प्रजापति को उसी गाड़ी में कुछ महिला पुलिस भी बैठी हैं, पुलिस वाले भी बैठे हैं और एसओ साहब भी बैठे हैं। लेकर के लाश को जब चले हैं तो अलग भाव लग गई। एसओ साहब बतिया बताओ कि अपने ही फलवा के पेड़ जब की खाई बाबू, अरे नदिया निकल जाई भाई जबनीर, बेदवा पूरा रही थी हास मिट्टी जई है बाबू, ना बतावे बाबू जन्म के पीर। आ तबले बतियावत तबले भैल का वही गड़िया में
कुछ समय बाद अन्नू कैलस फोन गड़िया में अरे ससुर कही अरवा पापी देले पिया चीर बाप बेटा थानावा में देखे लोग लसिया के अरे महिला सिपाही बात करे सुना फिर आवे ना समझ कहवा बानिए समैया हम देख के कल बाड़ी नाचीर अभी गाड़ी में बालो बेटी के लाश के उतारल जात बा आ तबले फोन कैले भी अपने ससुर के मोबाइल पर अनुआ ट्रेन की आवाज आ रही है बाबूजी मुझे बचा लीजिए पता न मैं कहां आ गई हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ससुर जी श्री राम प्रजापति जी मोबाइल दे दिल साहेब के साहेब बतौल उन्हों के भाषा नहीं के समझ में आवत महिला पुलिस भी बात कर रही है बताओ तुम कहां हो तुम वही उतर जाओ जहां हो जिस स्टेशन पर हो वहां उतर जाओ हम लोग वही गाड़ी लेके आ रहे हैं लेकिन तमाम पमारा बतियावत है कुछ बतावत ना ही है जैसे इसे लगत है कि पागल हो गई है। ए भैया आखिरकार मिली नहीं लेकिन पुलिस खोज रही है। आज बेटी गिलास का पोस्टमार्टम हुआ दाह संस्कार भी हो गया दो बेटियां हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है वो पापिन जहां जाने वाली है चली तो गई लेकिन जो ले गया है उससे बड़ा हरामी तो वो है कि तीन बच्चे की मां क्या उसको जिंदगी में दूसरी औरत नहीं मिल रही थी लेकिन ए भैया ये घोर कलयुग चलोता का कहल जाओ कि के कब का कह दे खड़ी को भाव विराह में कभी लिखल कैसे अरे महाबाप से फूले फूल कलयुग की बगिया लाश पोस्टमार्टम करके जब घरे आई हो बेटी के लाश के लोग लेके जब चल रहा हो पूरा जखनिया बुढ़ानपुर बुढ़कुड़ा का लोग रो तड़न बाहरे महतारी बाहरे पापी का लोग बतियावे कि जवन डहरिया से जाले सुनाउ वो लसिया हाय हाय करे लोग रुक नहीं असिया भगवान से निवेदन बहे प्रभु जो बिटिया मर गई
उसकी आत्मा को सुख और शांति प्रदान करे। और जो दो बेटियां हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जल्दी उन्हें स्वस्थ करके और परिवार के बीच में भगवान भेजे और परिवार के लोगों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। और कहा भी गया है कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है आरो उसका उसका घर देखो। पुलिस का हाथ इतना लंबा है कि पुलिस जिस दिन अपने आप पर उतर गई तो मोबाइल में ना खड़ा कोइल भुला जाई पकड़ल जाइबू। ए भैया आखिरकार हमार बिरहा एज समाप्त भइल। आखिरी भाव त जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन परसी धन स्वर्ग के बासी स्वर्ग गए श्री नारायण गुरु जो की थे सन्यासी लजाई न